बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं भेलपुरी। तो भेलपुरी के लिए हमने जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, हमें चाहिए मुरमुरे। नज़र आ रहे हो उसमें? ठीक है, मुरमुरे चाहिए हमें। पहले मैं क्लियर करता हूँ, मुरमुरे चाहिए हमें। तो उसके अलावा हमें निम्को चाहिए, मिक्स वाली ले लें और सेब ले लें, ठीक है। बाकी हमने 2 अदद आलू जो हैं वो छोटे छोटे बारीक काट कर इसको उबाल लिया था, तो ये छोटे छोटे चॉप जो हैं वो आलू हैं, चॉप जो हैं वो प्याज है, ये 2 हैं, ये भी 2 हैं, और टमाटर भी 2 अदद हैं छोटे, ये भी छोटे 2 प्याज हैं, ये भी छोटे 2 आलू हैं, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को चॉप्ड किया है, और 2 अदद हम नींबू का जूस इस्तेमाल करेंगे, और जो है ये हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद हैं, धनिया है आधी गट्टी से थोड़ा कम, और चाट मसाला और नमक जाएगा आखिर में। फिर हम तैयार करके आपको बताते हैं कि हमें किस तरह बनानी है। और वो जो मैंने चटनी आपको बताई थी, हरी चटनी और हॉट चटनी और स्वीट जो है मीठी चटनी, वो तमाम चटनियाँ भी शामिल होंगी। फिर आपको बताते हैं कि किस तरह इसको कम्प्लीट तैयार करना है। इसमें थोड़ा ही जाएगा क्योंकि हमने तमाम चीज़ें शामिल करनी है, बाद में इस्तेमाल करनी है इसमें। हरी मिर्च भी थोड़ी सी और हरा ये प्याज। ये चटनी है जो मैंने आपको बताई थी, ये तमाम जाएंगी। ये हॉट चटनी है, ये ग्रीन चटनी है, और ये मीठी चटनी है। मीठी चटनी हम ज़्यादा शामिल करेंगे, 4 टीस्पून से भी ज़्यादा। आप क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। ये हमारी भेलपूरी तैयार हो गई है, बहुत मज़े की बनती है, और बहुत मज़े की क्या कहते हैं, जो मीठी चटनी का इसका टेस्ट आएगा, और जो नीमको और जो मुरमुरे हैं ये सारे मिलकर इतना अच्छा टेस्ट बनाते हैं। रमज़ान में भी आप बनाएं, इतना मज़ा आता है। ठीक है, ये तैयार हो गई है हमारी। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा धनिया और ऊपर से फिर शामिल कर देते हैं, और थोड़ा सा चाट मसाला। चलें, आप खाएं और इन्जॉय करें। और आपको मैं बता दूं कि बहुत इजी चीज़ है, इतनी मुश्किल नहीं है। तमाम चीज़ें आपके इर्द गिर्द ही होती हैं। ये निम्को भी आप लेकर आ जाएं बाज़ार से, और ये जो मुरमुरे हैं इनको आप मिक्सिंग ही सिर्फ है, और चॉप्ड किया हुआ आपने टमाटर प्याज और आलू लेना है, और चाट मसाला और चटनियाँ डाल के आपने इसको खाना है और ट्राई करना है, और अपने बहुत मज़े की चीज़ें। तो उसमें चम्मच है तुम्हें चखा दो, तुम्हें नहीं है एक मिनट, इसी चम्मच से चखो, बिस्मिल्लाह करके चखो, कैसी लग रही है? मज़े की ना? मज़े की।
ज़्यादा टेस्ट पता है मीठी चटनी का अंदर आएगा ना, मीठी चटनी का ही आएगा ना, तो ज़्यादा मज़े लगेगी। ठीक है, अच्छा आप ही ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर गाँव में याद रखना है। मैं हूँ पंजाबी दादा कि मैं लहसुन बाकी निमको सेव सन दाल सेव टमाटर आलू प्याज मतलब जिन्ना भी क्वांटिटी बता दो घटा लिया मैं इसलिए क्वांटिटी इसलिए नहीं दसी तैयार करके प्लेट बनानी पैंती जे तो वो ले लो तो कर करके तो अपना एक एक प्लेट तैयार कर लो तो खैर बहुत ही करके तो उस बाद प्लेटा बना लो तो सारी चीज़ों मिला लिया धनिया पाया तो जो नमक पा के नींबू नचोड़े जे हरिया मिर्चा पाइया जे सारा कुछ पा के चार मसाला पा के तो सामने रखे तो खाओ मजे इंजॉय करो मैं तो आज याद रखना कि अल्लाह हाफिज़।